subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. ेषु मातृता नमस्तश्यै 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 नमः
International Police speaking. What? हमारे ड्राइवर्स इस बार भी मायूस लौटे हैं, तो फिर डॉक्टर सातो पर कड़ी नजर रखना चाहिए. वॉच हिम ऑल राउंड द डे एंड नाइट एंड रिपोर्ट बैक टू मी. इस बार भी इंटरपोल के गोताखोरों को स्टार ऑफ एशिया का कोई सुराग नहीं मिला. आई सी, उस पर कड़ी नजर रखो. डॉक्टर सातो ने अपनी समुंदरी चार्ट पर गलत निशान लगा के हमें गुमराह किया. माधुरी, अब इस चार्ट की कोई कीमत नहीं. स्टार ऑफ एशिया तूफान में जिस जगह डूबा था उसका गलत नक्शा सचो ने मैरीन डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया था. असली और सही नक्शा उसी के पास है. इसकी जानकारी जब इंटरपोल को लगेगी तो वो फौरन ही डॉक्टर सातो को गिरफ्तार कर लेंगे. करेक्ट. उससे पहले डॉक्टर सातो और उसके बेटे को किडनैप कर लो. हमें किसी भी कीमत पर वो सही चार्ट चाहिए. सर, कोई भी सवाल पूछना इंटरपोल के उसूल के खिलाफ है, फिर भी अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछ सकता हूँ. मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो. सर, स्टार ऑफ एशिया जहाज तूफान की वजह से कई समंदर में गर्त हो चुका है. हम इसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? इंटरपोल का इससे क्या संबंध है? संबंध है हिमाद्री. स्टार ऑफ एशिया जहाज में कहीं 60 करोड़ रुपए के सोना और हीरे ये कहकर छुपाया गया है कि कॉड लिवर ऑयल की एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तब इंटरपोल के साथ सीधा संबंध बन जाता है. ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी स्मगलिंग गैंग है कामाकाजी. ये सोना और हीरे स्मगल करके सिंगापुर ले जा रहे थे, जब बदकिस्मती से तूफान में जहाज डूब गया. कमीन. दिल की बात बोलता हूँ, घर की बात बोलता हूँ, चिड़िया गुबार लाके भविष्य का हाल खोलता हूँ. टिकड़म. टिकड़म ऑन ड्यूटी सर. क्या बात है सर? टिकड़म चला भूत घाट. सिक्विन जहाज के ऑफिसरों का भूत भविष्य वर्तमान स्टडी करने के लिए सर. सर, टिकड़म बड़ी गंभीर खबर लेकर आए हो. सर, बहुत सीरियस मैटर है सर, आपका कान दीजिए. सर, टोक्यो से टेलैक्स. माधुरी, तुम्हारी सीकिंग कंपनी स्मगलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है. टोक्यो में डॉक्टर सातो ने तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सैगल के नाम स्टार ऑफ एशिया का सेल्वेजिंग राइट खरीदा. इसका मतलब हुआ असली चार्ट डॉक्टर सातो के पास है. सर, ये बात तो आज सामने आई है, मगर आपने आज से 8 महीने पहले हिमाद्री को सीकिंग कंपनी में काम पर लगवाया था. मुझे शक था कि बहुत सी चीजों की स्मगलिंग में सीकिंग कंपनी का हाथ है. और फिर जब तुमने बताया कि हिमाद्री की बहन लता टैगल की बेटी के साथ पढ़ती है, मैंने हिमाद्री से कहा किसी भी चक्कर से सीकिंग कंपनी में घुस जाओ. अच्छा हिमाद्री, तुम सैगल के कितने नजदीक हो?
इस महीने से ही मिस्टर साइगल ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया है। वेरी गुड, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारी कंपनी के एनिवर्सरी में आने का वादा किया था मैंने। तुम्हारा केबल मिलते ही चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनसे मिलिए, आप है डॉक्टर सेन, दुनिया के मशहूर ओशियनोग्राफर एंड साइंटिस्ट, और कैप्टन कॉल को तो आप जानती हैं। गुड डे डॉक्टर। ओ गुड डे। और ये है मेरा प्राइवेट एंड पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर हिमाद्री चौधरी। ओ हिमाद्री चौधरी, वाह कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा, हिमाद्री यानी हिमालय। हिमालय के सीने में बहुत सा रहस्य छुपा हुआ है। सर नाम तो मेरा जरूर हिमालय है, लेकिन दरअसल मैं उसका एक जर्रा हूं। वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया है तुमने। वाह कितने खूबसूरत है ये फूल। लेकिन आज की दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरत है ताकत, काम, क्रोध, लोभ, साथ ही जरूरत है फूल के रंग की, खुशबू की और खूबसूरती की। डॉक्टर सन, मेरे ख्याल से आप थके हुए हैं, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। हिमाद्री जी, इनको हमारा गेस्ट हाउस में ले चलो। शरीर के लिए ये भी जरूरी है। चलिए आइए। थैंक यू थैंक यू। कैप्टन। यस सर। वो जिस सील बंद लिफाफा मैंने तुम्हें जहाज के लॉकर में रखने के लिए दिया था। यस सर। उसके बारे में किसी को मालूम ना हो, यहां तक कि डेंजी को भी नहीं। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। ओके सर। तब तो हमें जहाज की तलाशी लेनी चाहिए। सीकिंग जहाज अभी कहां है? जी कलकत्ता पोर्ट में। लेकिन खुफिया तिजोरी की तलाशी सर, आने वाले संडे को सीकिंग कंपनी की 10वीं सालगिरह है। सीकिंग कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे सभी दफ्तरों के लोगों को बुलाया गया है और मेरी ड्यूटी है उन लोगों को एंटरटेन करना। वेरी गुड, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा। इट विल बी डन सर। थैंक यू। यकीन है कि वो एक जापानी था? हाँ सर, लेकिन वो तिजोरी नहीं तोड़ सका। मेरे वहां वक्त पर आने की वजह से वो मुझे धक्का देकर भाग निकला। सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? गोलियां चलाई थी सर, मैंने गोलियां चलाई, सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां चलाई, लेकिन वो ऐसे भाग निकला, ऐसे गायब हो गया, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया सर। समझ में नहीं आ रहा है कि उस जापानी को हमारे तिजोरी के अंदर के कागजात के बारे में पता कैसे चला। सर पता नहीं, कहीं डॉक्टर सातो हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा है? नो सर, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। व्हाई? सर अभी अभी टेलेक्स से मैसेज आया है कि स्टार ऑफ एशिया के सारे सैल्वेजिंग राइट्स आपके जाती नाम पर खरीदे हुए हैं और इसीलिए ये सोचना मुनासिब नहीं। तुम थोड़ी देर ठहरो। कैप्टन, तुम गाड़ी लेकर जहाज पर जाओ, वहां तिजोरी में इस तरह का एक लिफाफा मिलेगा, इसे वहां रख देना और वो लिफाफा मुझे पहुंचाना। ओके सर। साइकिल स्पीकिंग। व्हाट? निकोसी चले गए मुझसे कह बगैर? अरे आओ, इट्स ऑल राइट,
समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। चक्कर चक्कर पे चक्कर, इसका कोई अंत नहीं है। सारी दुनिया में एक ही चक्कर, चक्कर और टक्कर, ये तो चलता ही रहेगा भैया। तो भैया तुम्हारी पार्टी में आज बड़ा मजा आया। तुम्हारी कंपनी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने मैंने थैंक्स। अरे सुनो, तुम्हारे साथ मेरी क्या बात हुई थी? क्या आपने वादा किया था ना कि आज हम दोनों को इवनिंग शो में फिल्म दिखाएंगे? I'm sorry, लेकिन यकीन करो ऑफिस में इतना काम था कि मुझसे मिलने का टाइम नहीं। Exactly. देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितनी बड़ी शिपिंग कंपनी है, कितना काम रहता है। अभी अभी फोन किया और कहा फौरन चले आओ, बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? हाँ, हो सकता है। क्या डैडी को हम दोनों के बारे में पता चल गया है? तो क्या होगा, अरे भाई प्यार किया है, चोरी तो नहीं की। डैडी से मिली या नहीं? नहीं, अभी तो आए हैं। ना भैया, हिमाद्री तुम ये कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी रीना की सिफारिश पर रखा है। मुझे तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैंने हर तरह से सोच विचार करके ही ये डिसीजन लिया है। अब मेरा कारोबार, परिवार, सभी कुछ तुम्हारे हाथों में महफूज है। महफूज? और मेरे हाथों? यस माय बॉय, यस। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, खासकर मेरे साले का लड़का सर्वेंद्र शर्मा, जरा भी भरोसे लायक नहीं है। यू नो, ये तो हिज अ स्काउंडल। आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी दौलत के लालच में आकर वो मेरी बेटी दीना की जान भी ले सकता है। ठीक कह रहा है जसविंदर। सागर स्पीकिंग। नो, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। सिर्फ इतना ही नहीं, धंधे और दौलत के मामले में, खासकर बिजनेस और बैंक ट्रांजैक्शन के सिलसिले में, मैं आजकल मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे अजीज दोस्त डैनजी को भी ठीक पहले की तरह ये बात रही जरा दे रहा क्विक। इस शख्स को कभी देखा? जी नहीं। कुछ दिन पहले जब मैं डैनजी के घर से लौट रहा था, उसी दिन से इस शख्स को मेरी निगरानी करते हुए देख रहा हूं। एक के बाद एक कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनका कारण ढूंढने से नहीं मिलता। डैनजी को जाना था सिंगापुर, चला गया कोई बेक। हैरत है सर, कोई खास काम था? नामुमकिन है। बैठो। कोई बेक में डैनजी का कोई खास काम नहीं हो सकता। और फिर वो आदमी, दैट मैन, क्यों साये की तरह मेरा पीछा कर रहा है? क्यों एक जापानी ने आकर हमारे जहाज पर हमला किया था? क्या ये सब महज इत्तेफाक है? अच्छा सर, इन सब बातों की छानबीन करने के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को अपॉइंट करना कैसा रहेगा? नहीं, जब पोर्ट पुलिस तहकीकात कर रही है तो और कुछ करना ठीक नहीं होगा। अरे मंसूर, कैसे हो? डामाडोल का दुनिया के बाजार में ठीक हूँ सब, एकदम फाइन। मंसूर, जहाज में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कब नहीं थे मालिक? मतलब? शर्मा जी कैप्टन से मिलकर कुछ माल बाहर भेज रहे हैं। अच्छा? चोरी से। वो माल है कहाँ? चोरी का माल यहाँ नहीं, नूरपुर से लादा जाता है। नूरपुर? अकॉर्डिंग टू हिमाद्रीज इंफॉर्मेशन, ये वो जगह है जहां से वो अपना माल उठाते हैं।
तुम मोटर बोट लेकर जाओगे और उनकी तमाम हरकतों को स्टडी करोगे। पंटू, तुम और हिमाद्री पता लगाओगे कि सीकिंग कंपनी का और कौन कौन शामिल है इस धंधे में। सर, क्यों ना अचानक इन लोगों को छापा मारकर रंगे हाथों पकड़ा जाए। उनको इस वक्त चौंका कर हम अपना ब्लू लेगून प्रोग्राम खराब नहीं कर सकते। यस, OXOX बोलो। 0404 बोल रहा है। मनी लेंडर सुन रहा है, बोलो। डॉक्टर सातो और उनके बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा है, लगता है उन्हें किडनैप कर लिया गया है सर। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कामाकाजी ब्लू लेगून से बहुत ज्यादा चलाक और तेज है। तुम तलाशी जारी रखो और हर 6 घंटे के बाद पोजीशन बताते जाओ। ओके, ओवर एंड आउट। बहुत सावधानी से काम करना होगा। कामाकाजी को छेड़ने का मतलब है मौत को दावत देना। जरूरत पड़ने पर वो जान लेने में भी गुरेज नहीं करेगा, और उसके पास अपने हेलीकॉप्टर भी है। मांटू, सर तुम तो इंटरपोल में काम करने वाले लोगों के मुहाफिज हो, इसीलिए हिमाद्री की जान की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। सर, मेरे इन हाथों पर आप विश्वास कर सकते हैं। चलो चलो जल्दी करो चलो। शिवा, सी क्वीन जहाज मूरिंग पॉइंट पर लंगर डाले हैं। ये सब बक्से बोट के जरिए वहां तक पहुंचा दो, बाकी का काम कैप्टन कॉल संभाल लेंगे, ठीक है? कौन कौन है? शिवा बास्टर्ड, Spot!
या ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर स्पीकिंग, कामाकाजी वन से बात करनी है। नंबर वन स्पीकिंग, स्पीक। हमारा नूरपुर का धंधा एक्सपोज हो गया है, इंटरपोल का किटहारा हमारे पीछे लगा हुआ था। वो अभी जिंदा क्यों है? हमने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की सर, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बच निकले। एक और बात सर, उस जगह पर हेमाद्री चौधरी और एक और आदमी मौजूद था, लगता है ये इंटरपोल से मिले हुए हैं सर। हेमाद्री को फौरन खत्म कर दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका असली पता डेंजी को बता दो। जैसा ही जैसा। मिस्टर सैगल पर कड़ी नजर रखो, डॉक्टर सटोने स्टार ऑफिशियर के सेल्वेजिंग राइट उसके नाम से खरीदा है। मिस्टर सैगल को जरूर पता होगा असली चोट कहां है। सीकिंग कंपनी के हेड क्लर्क सदानंद कुछ जरूरी कागजात एक दो दिन में देने वाला है, शायद उसमें कुछ मिल जाए। ठीक है, कल मैं साइप्रस के निकोशिया पोर्ट जा रहा हूँ, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, जहां तक कि मेरी बेटी को भी नहीं। लेकिन मिस्टर डेंजी तो परसों आ रहे हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, डेंजी पूछने से कह देना कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में जापान चला गया, मेरे आने तक यहाँ का सारा कारोबार तुम्हारे जिम्मे है। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। क्या मैं आ सकता हूं? कम इन। मिस्टर डेंजी दो बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। मिस्टर डेंजी आ गए? जी हाँ, कल रात को नाइट फ्लाइट में आए हुए हैं। मैं कम इन सर। कम इन, कम इन, सिट डाउन मिस्टर चौधरी। आज से एक महीने पहले सिंगापुर जाते वक्त मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की फाइल मिस्टर सैगल के यहां भेजी थी, वो फाइल बगैर साइन किए मेरे पास वापस पहुंच गई। लेकिन सर मैंने खुद ये फाइल मिस्टर सैगल के मेज पर रखी थी, फिर आपके पास वापस कैसे आ गई? तुम्हारा मतलब है तुम ये कहना चाहते हो? यस सर, मुझसे मिस्टर सैगल भी यही कह रहे थे कि हमारी कंपनी की फाइल अचानक गायब हो जाती है और ना जाने कैसे वापस भी आ जाती है। तुम्हारा मतलब है सीकिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस आजकल भूतों का डेरा बना हुआ है? ऐसा कुछ लगता है सर। मिस्टर सैगल जापान जाते समय जापान नेविगेशन की फाइल ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली। मिस्टर सैगल जापान गए? जी हाँ। ताज्जुब है, अचानक जापान जाने की क्या जरूरत पड़ गई उसको? आप शायद जानते नहीं, हमारे जहाज सी क्वीन पर रात के 10 बजे एक जापानी कैप्टन कॉल के केबिन में घुसकर वॉल्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि कैप्टन कॉल ठीक वक्त पर आ गए, वरना। कौन था वो जापानी? यस सर, सरविंदर साहब बंबई गए हैं। बंबई गए क्यों, किस लिए? अगर सभी लोग इस तरह इधर उधर जाते रहे तो दफ्तर कैसे चलेगा? नॉनसेंस। लिसन मिस्टर चौधरी, मैं एक दो दिन में हांगकांग जाने वाला हूं, जैसे मिस्टर सैगल वापस लौटे तो उन्हें कहना कि जापान नेविगेशन से जो जहाज हमने खरीदा है उसके बारे में मुझसे सलाह किए बगैर किसी और से बात ना करें। अच्छा, यू मे गो नाउ। मैं कहाँ गलत हूँ बताइए? हिमाद्री चौधरी अगर मिस्टर सैगल के यहाँ सेक्रेटरी बनकर उनका इंटरेस्ट देख सकते हैं तो मैं आपका सेक्रेटरी होने के नाते आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं देख सकता? लेकिन शर्विंदर, मेरा मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की फाइल जो आपने मिस्टर सैगल के पास सिग्नेचर करने के लिए भेजी थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो साइन नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर सैगल साइन करना चाहते थे लेकिन चौधरी की सलाह देने पर उन्होंने साइन नहीं की। अगर ये सच है शर्विंदर, तो सैगल मुझ पर शक करके वो खुद खोद रहा है। यस सर। चौधरी साहब को भेजो। जी सर।
चौधरी इस वक्त ऑफिस में नहीं है। मतलब? मतलब ये कि वो इस वक्त ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल ड्यूटी पर है। अनऑफिशियल ड्यूटी? जी हाँ, मिस्टर साइगल जापान जाने से पहले नीना की सारी जिम्मेदारी हिमाद्री पर सौंप गए थे, इसलिए पिछले दो दिन दो रातें नीना ने हिमाद्री के फ्लैट पर गुजारे थे। केविंदर? जी हाँ सर, आज और आने वाले दो दिन वे दोनों अय्याशी करने के लिए कलकत्ते से बाहर गए हुए हैं। स्टॉप इट। ऐसी खतरनाक चीज लेकर मजाक नहीं क्या करते? अंदर रख लो, रख लो इसको अंदर रख। हाँ ये लो, ये है दफ्तर की बहुत जरूरी कागजात, अगर जरूरत पड़े और भी कागजात ला दूंगा, मगर इसको संभाल कर रखना क्योंकि पुलिस वालों की नजर हम पर है। हाँ? जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। मानतू तब तो तुम्हारा सदानंद बहुत आनंद में है। हाँ सर, बहुत आनंद में है। उसने अपने दफ्तर के बहुत से गलत डॉक्यूमेंट उन लोगों के हाथों में बेचे हैं। बहुत खूब, तब तो वो सब मिसगाइडेड हो जाएंगे। सुनो मानतू, तुम हिमाद्री को साथ लेकर वाइल्ड कैट नाइट क्लब में जाओगे, मैं भी ड्रेस बदल कर पहुंच जाऊंगा। शर्मिंदर मागलारों से वही मिलता है और तुम दोनों पता लगाओगे कि डेंजी इस धंधे में है या नहीं। दिल की बात बताएगा, अंदर की बात बताएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाएगा, एक का एक लाख पाएगा, फुटपाथ से मर्सिडीज में जाएगा। उठा तो वीर, बैठा तो बादशाह, लेटा तो शहंशाह हो जाएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाएगा, दिल की बात बताएगा, अंदर की बात बताएगा। चिड़ी से पट्टा खुलवाओ, हम दिल की बात बताएगा। उठा तो पीर, बैठा तो बादशाह। टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी। मान तो जा रहे। क्या रे हिमाचल का? टैक्सी में बैठ के चला गया। तू क्या कर रहा था? मैं आपके पीछे बैठता है। जाने कैसा जादू ये चल गया, सारा ये नजारा बदल गया, मस्ती में ये आलम जो ढल गया, प्यार के लिए दिल मचल गया, कैसी जलती है जलती है जलती है ये वतन, गले शोलों में शोलों में शोलों में ये वतन। जाने कैसा जादू ये चल गया, सारा ये नजारा बदल गया, मस्ती में ये आलम जो ढल गया, प्यार के लिए दिल मचल गया। अरे
खुश नजर आ रही हो? सामन एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया है जानेमन। हिमाद्री चौधरी ने इनोसेंट मारू का रूट चार्ट जानने के लिए मिस्टर साइगल को निकोसिया टेलेक्स मैसेज भेजा है। इसमें इस तरह एक्साइटेड होने की क्या बात है? है डार्लिंग है, तुम नहीं समझोगी। मिस्टर साइगल जापान जाने के बहाने निकोसिया गए हैं और इस खबर को हिमाद्री चौधरी के अलावा और कोई नहीं जानता था। ओह, अब इस खबर को मैं कैश करूंगा। कौन है? पुलिस? चलो देखते हैं।
हेलो डॉक्टर सातो स्पीकिंग, आप फॉरेन योगा में चलाइए। ऑल राइट साइकिल स्पीकिंग, क्या इनोसेंट मारू जहाज ड्राई डॉक पे है और डॉक्टर सातो कहीं चले गए हैं? ऐसे ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening. टोक्यो में इंडियन एम्बेसी में डॉक्टर सातो की जो बेटी अमेरिका में काम करती है उसे मिल चुके? यस सर, उन्हें मैं कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं। ऐसे ठीक है, कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ओह आई सी सर, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे डॉक्टर सातो का पता चाहिए। ऑल राइट सर। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहते क्या हो? किस लिए आए? मैं कामकाजी का आदमी। कामकाजी? आप शिपिंग कंपनी चलाते हैं तो कामकाजी के बारे में जरूर सुने होंगे। द डेंजरस स्मगलिंग सिंडिकेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यस, कामकाजी इज वेरी डेंजरस And very famous too. अब आप चाहे जितनी तलाश करें, आपकी मुलाकात डॉक्टर साटो से फिर नहीं होगी। उन्होंने आपके नाम पर स्टार ऑफ एशिया का सार्वजनिक राइट खरीदा था। अब वो आप राइट 7 दिन के अंदर सुरेंडर कर दें, ताकि उसकी रिएक्शन हो जाए। अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो? You must. ये कामकाजी का हुक्म है। अब आज से 8वें दिन हमारी मुलाकात फिर होगी, और वो मुलाकात कहाँ होगी और कैसे होगी वो आपके ऊपर है। नाइट। चौंका दिया ना? अरे भाई मैं भी इसी होटल में ठहरा हूं, बोर्ड पर तुम्हारा नाम देखा तो चला आया। लेकिन आप अचानक निकोसिया में हैं? समझे नहीं? अरे समझोगे कैसे, मनुष्य जीवन इतना रहस्यपूर्ण है हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम निकोसिया में क्यों आए ये समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बात यह है कि एक खास आदमी से। जानता हूँ जानता हूँ। अरे डॉक्टर सेटो के इनोसेंट मारू जहाज यहाँ के ड्राई डॉक में खड़ा है। अरे डॉक्टर सेटो भी तो यही था, लेकिन वो गया किधर? लेकिन उसको मिले बिना तुम्हारा निकोसियाना बेकार साबित हुआ। मैं डॉक्टर सातो से मिलने आया हूं, ये खबर आपको कैसे और किसने दी? किसी ने नहीं दी। सिंपल मैथमेटिक्स, सीधा हिसाब का खेल, इंट्यूशन भी कह सकते हो। साइकिल साहब, हम सब गलत हैं, सब गलत हैं। सारी उम्र हम लोग गलती करके चले आ रहे हैं, जैसे अलादीन का चिराग। हम जानते हैं उसमें कुछ सच नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे हाँ, तुम कलकत्ता कब जा रहे हो? कल। ओ वंडरफुल वंडरफुल, शुभ यात्रा शुभ रात्रि। तुम होश में तो हो ना? बिल्कुल, ये तो चावा के सही वक्त पर शरविंदर ने मुझे हांगकांग में टेरेक्स कर दिया। शरविंदर ने हांगकांग में टेरेक्स किया, लेकिन
लेकिन मैंने तो उस चार्ट के बारे में ये बात इसे जिक्र तक नहीं किया। यकीनन कहा। नहीं डेंज जी, बिलीव मी, नहीं। शायद तुम्हें अभी याद नहीं रहा। हा? मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हिमाद्री मेरे साथ विश्वासघात करेगा, मेरे साथ। खैर, आई एम ग्रेटफुल टू डेंजे, तुमने टेलेक्स देखकर मुझे बचा लिया। क्या तकदीर पाई है मैंने। गया था इनोसेंट मारू का प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो हुआ नहीं, और फंस गया सीक्विन के प्रॉब्लम में। डोंट गेट अपसेट। देखो, इसके बारे में अभी हिमाद्री से कुछ मत कहना। इससे पहले हमें डॉक्टर सातू से इनोसेंट मारू जहाज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, समझे? ओह माय गॉड, वी आर ऑलरेडी लेट। चलो गाड़ी में चलते चलते बातचीत करेंगे। कम, लेट्स गो। क्या हो? प्रेमी के रूप में इंटरपोल एजेंट, मैंने तुम पर विश्वास किया था, और तुम गेट आउट। ऐसा गेट आउट फ्रॉम हियर। आप क्या कह रहे हैं? शट अप। तुम्हारी सिफारिश पर इस शैतान को नौकरी पर रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये नीच बेईमान इज अ क्रूकेड शैडो ऑफ द इंटरपोल डिपार्टमेंट। अब फिर भी तुम खड़े हो सरविंदर, इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं। समंदर में जहाज पर छापा मारना जितना आसान है, किसी के घर में घुसकर छापा मारना उतना आसान नहीं है, है ना मिस्टर चौधरी? पिस्तौल मेरे पास भी है सरविंदर, और इसका जवाब सही वक्त पर दूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया डैडी। हिमाद्री इंटरपोल का एजेंट है, ये मैं नहीं मान सकती। न मानने का कारण? जिस आईने में सूरज साफ दिखाई दे, तो आईना खोटा नहीं होता डैडी। क्या कहा? पल रंगी
तेरे संग देखे थे जो सपने हसीन, मन कर याद वो दिन। तेरे संग बीते थे जो पल रंगी, तेरे संग देखे थे जो सपने हसी, मन कर याद वो दिन, मन कर याद वो दिन। कभी छाँव में हम चले, जले धूप में भी हम तुम साथ में, कभी साथ साथ भीगे बरसात में हो। कभी छाँव में हम चले, जले धूप में भी हम तुम साथ में, कभी साथ साथ भीगे बरसात में। कभी तो पता ना चला दिन जाने कैसे ढला, कभी कभी रात काटी मन कर याद वो दिन, मन कर याद वो दिन। हेलो, प्रीतम सैगल बोल रहा हूँ, आप कौन है? गोल्डन समुराई। डॉक्टर सातो, कोर्ट में बातें कीजिए। आई एम सॉरी, मैं वाइकिंग बोल रहा हूँ। डॉक्टर सातो कहाँ है? वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप फौरन चले आइए। मगर डॉक्टर सातो है कहाँ? योकोहामा में अपने पते पर। एनी अदर क्वेश्चन? जी नहीं। आओ यार आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं 6-7 दिन के लिए जापान जा रहा हूँ। इन दिनों में तुम कलकत्ता छोड़कर कहीं मत जाना। ये अचानक जापान जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? एक पर्सनल काम निकला है। वैसे कलकत्ता से मेरा दिल लूट गया। डेंजी, ये इंटरपोल, इसको क्या नाम, हिमाद्री को हमारे कंपनी में क्यों प्लांट किया? कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? अरे यार, तुम तो खामखा फजूल बातों में परेशान हो रहे हो। ये इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का मतलब है पुलिस, और पुलिस का मतलब है शक। इनकी तो आदत होती है हर काम में टांग अड़ाने की। हाँ, इना भी इस बात पर अक्सर हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे उसकी नानी के पास आगरा भेज दिया। ओहो, नीना की भी फिक्र मत कीजिए, कह देना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नजरों से दूर और दिल से दूर। 10-15 दिन अलग रहेगी, सब कुछ भूल जाएगी। डोंट वरी। लेट्स होप सो। हेलो जोड़ी ट्रेवल्स। हाँ, मैं डेंजी बोल रहा हूँ सीकिंग कंपनी से। Viking
from land of Buddha. Up on Golden Samurai. Hands up! Go inside! मिस्टर साइगल जापान गए हैं। शिपिंग ऑपरेशन का सारा कारोबार मेरे जिम्मे है, इसीलिए आज से जो भी काम होगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। आधा हिस्सा यानी 50-50। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग सही है, इसलिए इससे कम में काम करना मेरे लिए नामुमकिन है। मिस्टर शर्मा, हमारे साथ काम बंद करने का एक ही रास्ता है, शायद वो तुम कभी नहीं चाहोगे। सरविंदर शर्मा को डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा हिस्सा आधा होगा तो काम होगा, वरना वरना स्मगलिंग ऑपरेशन की सारी डिटेल इंटरपोल को किस तरह पहुंचेगी? तुम्हारे बॉस कामाकाजी उनका नाम भी अपनी जबान पे मत लाना। गुड बाय मिस्टर सरविंदर शर्मा। कौन? हिमाद्री? हाँ हिमाद्री, अपने घर में किसी को बेइज्जत करना जितना आसान है, उसी तरह इंटरपोल की आंखों में धूल डालकर स्मगलिंग करना उतना आसान नहीं है मिस्टर शर्विंदर शर्मा। तुम जैसे नीच जानवर को मारने के लिए पिस्तौल की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारा बॉस कामाकाजी चाहिए। हिमाद्री, तुम इंटरपोल के एक्शन एजेंट हो, ये राज फांस हो चुका है, अब तुम्हें यहां रहना मुनासिब नहीं है। जापान जाकर कामाकाजी गैंग को खत्म करो और वो सही चार्ट हासिल करो। ये है डॉक्टर सातो, तमाम राजों की जड़। डॉक्टर सातो जापान के मशहूर ओशनोग्राफर, बहुत ही अमीर आदमी है। इन्हीं की मिल्कियत की इनोसेंट मारू जहाज इन्होंने सैगल और धेंजी को बेची थी। जवानी में डॉक्टर सातो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और स्वॉर्ड फाइटिंग में तो ये चैंपियन भी रह चुके हैं। हाँ, डॉक्टर सातो का लड़का अकुरा सातो, मिस मरी सातो, डॉक्टर सातो की बेटी, इंडियन एम्बेसी में स्टेनो का काम करती है और जहां तक मेरा ख्याल है वो किसी सीक्रेट सर्विस में भी काम करती है। मरी सातो फेलू के बारे में बहुत कुछ जानती है। जापान में तुम्हें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। खतरनाक खूनी, यह है बिली, एक नंबर का निशानेबाज। जुआन कैरेरास, कामाकाजी गैंग के बॉस, फेलू का दाया हाथ। हा, मशहूर स्मगलर आर्थर वॉलकॉट। वॉलकॉट एक बार यहां पकड़ा गया था, ना जाने कैसे भाग निकला। गुड लक फॉर ऑपरेशन गोल्डन ड्रैगन। सरविंदर शर्मा, तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो और कामाकाजी, तुम्हें होना पड़ेगा मेरे हर बात पर राजी। परम पम पम परम। अह
Mr. Sarbender. ये मैं आखिरी बार पूछता हूँ, असली चार्ट कहाँ है? वरना मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे किसी चार्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सैगल साहब, ये ब्लू टॉर्च आपकी नजरों के सामने सिर्फ 3 मिनट रहेगा और उसके बाद आपकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, समझे? मिस्टर सैगल पर ये जुल्म करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर सैगल हमारे खास मेहमान है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सैगल कौन है? सारी दुनिया दौलत के पीछे पागल है, करोड़ों रुपए का सोना हीरे जवाहरात समुंदर की तह में कहीं छुपा हुआ है। आइए हमसे हाथ मिलाइए और वो सही चार्ट अभी दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ वो दौलत हम दोनों की होगी। आप कौन हैं, क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सातों ने मुझे कोई चार्ट नहीं दी, फिर भी खामखा मुझ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो फिर क्यों डॉक्टर सचो ने स्टार ऑफ एशिया के सेल्वेजिंग राइट तुम्हारे नाम से खरीदा और फिर उसने गलत चार्ट मेरे डिपार्टमेंट में क्यों जमा करवाया? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ। आप दोनों ही हमारे कब्जे में हैं, तो फिर पता नहीं पड़ेगा आज या कल। तो साइकिल को ले जाओ, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ ना हो। यात्री और मांतू इंटरपोल के सबसे खतरनाक एजेंट है, इन दोनों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। आप हुक्म कीजिए सर, मैं दोनों को उड़ा दूंगा। यकूफ, उनकी लाशें मिलते ही इंटरपोल पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएगा। एक काम करो, डॉक्टर सेटो की बेटी मारी को इंडियन एम्बेसी में नौकरी करती है, वॉलकॉट से कहो उसके सामने डॉक्टर सेटो और उसके बेटे पर टॉर्चर करें, ताकि मारिकवा अपने बाप और भाई की जान की खातिर हमारे साथ काम करने पर तैयार हो जाए। मारिकवा, वो क्या करेगी? मारिकवा हिमाद्री से प्रेम का नाटक रचाकर उसे अपने फ्लैट में ले जाएगी, उसे वही गोली मार दो। सर, बात तो वही हुई। नहीं, उसके बाद मारी कवा को बेहोश कर दोनों को नंगा सुला दो और पुलिस को खबर कर दो, ताकि पुलिस इस कत्ल को मर्डर फॉर सेक्सुअल जलसी समझ लेगी। हिमाद्री का क्या खबर है? अभी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके ड्रेस चेंज करने रूम में गए। अच्छा, उसे कुछ जरूरी काम? जी ठीक है, हम मिल लेंगे। अच्छा चलते हैं। अच्छा है।
डैडी, Do something for me. What do you want me to do? Father, George. Please, my child, please. Leave me! Leave me! Hello? Canada's here. Yes, boss? Do not harm Dr. Sato. Yes, boss. You want taxi, sir? What is your number? XYZ Cloud Sky. Thank you. Mr. Ghosh, you did not recognize me. Kitara. अरे, Mr. Kitara, कमाल है. मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान सका. क्या भेष बदला है आपने? वाह. Thank you.
Listen, Mary. If you cooperate with us, we will let your father and brother go. Now, listen carefully. An Indian fellow has come here to ruin our business. His name is Himadri Chaudhary. Himadri Chaudhary? That's right. You have to meet him and make love with him. You have to bring him back here. You help us, and we'll help your father and brother. If we go to police, they will get your dead body. Tell me, where do I find Himadri Chaudhary? Good evening. You are just in time. Come on. Come on, don't get nervous. He's always a nice chef. Go ahead. Ouch. Hey, my purse! Hey, catch him! Catch him! Hey, come on. Help. Oh, you leave me. Come leave on, me. Take off your hand. Leave me. Come on. Leave me. One, two, one, two. Shoes. Please come in. Sit down here. Thank you.
ये मेरा अपार्टमेंट है। इट्स ब्यूटीफुल। मैं काम करती इंडियन एम्बेसी में। या इंडिया, इंडिया मेरा सपनों का देश। कैन आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी? नो नो थैंक यू, मैं चाय या कॉफी रात को पीता नहीं। बाय। मैं फिर आपसे मिलना चाहती हूँ। You are really great. Thank you. But why? Because तुमने मुझे बचाया from that man. When will I see you again? Tomorrow. I'll see you at Tokyo Tower. मारी, अब वो औरत तुम्हारे घर में कौन है? क्या वो तुम्हारी relative है? No, वो just a maid. क्यों? Because I thought, never mind. क्योंकि मैंने तुम्हारे घर में किसी और को नहीं देखा। My mother is dead. मेरा father रहता ओसाका में मेरे brother के साथ। What are you doing here in Tokyo? मैं? मैं एक योगा टीचर हूँ। Will you teach me? Of course. तुम आओ मेरे इंस्टीट्यूट में। Not there. मेरे घर। तुम्हारे घर में? लेकिन तुमको जाना है? Any other place? No, thank you. चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Go ahead. मैं जा सकती by myself. क्या कर रही थी तुम उस दिन रमेश बार में at that night? मारे। मैं वो बात नहीं बोल सकती। Please don't ask me. मारे। No, no. Something wrong. She come alone. Hello. Hello. Walcott speaking. Hello. What happened to you? Anything wrong? No. Nothing went wrong. I could not bring him. Okay. Don't get nervous. Give me more time. He's too clever. Try again. What? Sea Queen जहाज योकोहामा पोर्ट में है, उस पर कड़ी नजर रखो और मेरी हिदायत का इंतजार करो. Okay? Come in. Send Mr. Chaudhary. तुम्हें याद है हिमाद्री, मिस्टर सैगल ने कुछ जरूरी कागजात सी क्वीन जहाज की खुफिया तिजोरी में रखा था? हाँ सर, कलकत्ता पोर्ट में वो जरूरी कागजात हासिल करने में किटारा नाकाम रहा. नाकाम नाम की कोई चीज हमारी इंटरपोल की डिक्शनरी में नहीं है हिमाद्री. सी क्वीन जहाज अभी योकोहामा पोर्ट में है. तुम और किटाहारा कैप्टन कॉल से किसी भी कीमत पर वो कागजात हासिल करो. ओके सर. तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं नीचे कवर करता हूं. Thank you.
मिस्टर चौधरी, वॉल्ट की चाबी कहाँ है? चाबी? कौन सी चाबी? अनजान बनने की कोशिश मत करो कैप्टन। चौधरी, तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। जल्दी करो कैप्टन, वरना मौत तुमसे गद्दारी नहीं करेगी। चाबी, वो कागजात तुम्हारे किसी काम के नहीं है। चाबी, डॉक्टर सातो कहाँ है? सातो? कौन सातो? चालाक बनने की कोशिश मत करो कैप्टन, वरना भुगतोगे। मुझे डॉक्टर सातो का पता चाहिए। मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये चार्ट भी गलत है हिमाद्री। जान जोखिम में डालकर इस चार्ट को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने जो मेहनत की वो सब बर्बाद हो गया। इस चार्ट पर जहां जहां निशान लगे हुए हैं हमारे डाइवर्स चार चार बार समुन्द्र की तह तक पहुंचकर खाली हाथ लौटे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा सर? डॉक्टर सातो की बेटी मारिकाओ के उन्होंने प्लांट किया है तुम्हें सिड्यूस करने के लिए। मुझे लगता है मारिकाओ के रास्ते ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए तुम्हें मारिकावा के साथ अपने प्यार का नाटक जारी रखना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सिने में भी एक दिल है। एक बार आपने ऑर्डर दिया साइकिल की बेटी नीना से प्रेम का नाटक करो, फिर उसे भूल जाओ। आप कह रहे हैं कि मारिकावा से प्रेम का नाटक करो। ये सब ऑर्डर देते समय सर आप क्यों भूल जाते हैं कि कभी कभी नाटक जीवन में भी सत्य बन जाता है। तो बात हिमाद्री, जीवन बहुत बड़ा नाटक है। ये दुनिया रंगमंच नहीं तो क्या है? यहाँ हर आदमी अपना अपना पार्ट अदा करने आते हैं। लेकिन सर हमेशा मेरे समय ट्रेजिक पार्ट ही क्यों आता है? ट्रेजिक पार्ट करते करते मेरा जीवन एक ट्रेजिडी बन गया है। सर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। हेलो। हाय। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? What? I feel तुम किसी बारे में कुछ सोच रही हो। हिमाद्री, I don't know, मैं तुम्हें कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ। So do I. Tell me, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? Sometimes, मुझे भी डर लगता। लेकिन क्यों? ठीक है, never mind. What's wrong? Can I trust you? Do you trust me? Then, promise, तुम मेरे घर पे कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हें कहो भी तो, promise, Madhuri, promise, my darling. That Indian fellow has come. Oh, dance girl. Mat kumo.
वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। Okay, okay. Be careful. Be careful, please. वो तुम्हें देख रहे हैं। Billy, you are successful. Do as Calidus too. खून कर भाग गया हमारे फैन उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है व्हाट इज द सेल्फ आंसर माय क्वेश्चन डेंजी डेंजी यस सर डेंजी वो टोक्यो आया हुआ है और मिस्टर साइगल का पीछा करते हुए उसने हमारे डेन का भी पता लगा लिया है वाह ये सब जानते हुए भी तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसे किसी चाल में फंसा कर हमारे कब्जे में ले आओ हिंदुस्तानी एम्बेसी में मुलाजिम हो हमारी टॉप सीक्रेट जानती हो और तुम दुनिया के सबसे बदनाम स्मगलिंग गैंग का माकाजी की एजेंट नो मेरा विश्वास करो मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है स्टॉप इट मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अदाकारी ने मुझ जैसे अदाकार को भी धोखे में डाल दिया माद्री वो लोग किडनैप किया मेरे फादर और ब्रदर को बहुत खूब अपने बाप भाई की जान बचाने के लिए मेरी जान लेने की साजिश में उनकी मदद कर रही थी माद्री मुझे मालूम नहीं था वो लोग तुमको मारना चाहता है प्लीज माद्री विश्वास कर माद्री हमारे पेशे के मुताबिक हम किसी पर विश्वास नहीं रख सकते लेकिन तुम पर विश्वास रखने पर मजबूर हो गया हूं कहीं ऐसा ना हो
मेरे विश्वास को धोखा हो। ठीक है। हिमाद्री, ये सच है? You love me? हाँ मारी, जिंदगी में पहला प्यार का नाटक है जो हकीकत बन के सामने आ गया। मुझे फूल मत बनाओ। फूल? Yes, हम एक दूसरे को धोखा देने चले गए और खुद एक दूसरे से धोखा खा गए। मारी, मैं मौत से खिलवाड़ कर रहा हूं। कभी भी मौत मुझे अपने पंजे में दबोच सकती है। ये सब जानकर भी क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? Because I love him, man. तुम हमारा सुपरमैन। और सही मायने में मुझे भी तुम जैसी लड़की की तलाश थी। हेलो, हाँ हाँ सुनो, मुझे खास तौर पर खबर मिली है कि ये लोग मारिकावा की साजिश में नाकाम रहे। हाँ, और ये भी खबर है कि अब ये लोग तुम्हें कत्ल करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढेंगे। माफ कीजिएगा सर, अगर वो लोग मेरा खून करना चाहें तो मैं उनका मुकाबला अकेले ही कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बहुत जरूरी होने पर भी मैं खून खराबा पसंद नहीं करता हूँ। हमारा प्रेजेंट मिशन है फेलू को तलाश करना। मारिकावा हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन उन लोगों के पास वो अब तक एक्सपोज नहीं हुई। तुम मेरा, तुम उसके साथ किसी किस्म का टच मत रखना। मारिकावा के साथ? दैट्स अ वेरी क्लोज सर। आई मीन टू से एब्सोल्युटली क्लोज। क्या कहा? वेरी वेरी क्लोज, इसका मतलब? मतलब वी आर कमिंग वेरी मच क्लोजर सर। वेल वेल, मारिकावा का नाटक बहुत क्लोज होता जा रहा। खैर, कहीं घूमने जाओगे तो? लेकिन सर, सर करने क्यों जाऊं? नहीं नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो टैक्सी में जाओ, तुम्हारी गाड़ी लेकर मंतु जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पर। लेकिन सर, मंतु पर भी मुसीबत आई तो? मंतु और मुसीबत, अच्छा मजाक किया है तुमने। दैट बुलडोजर कैन डॉज किसी भी मुसीबत को। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो, काट दिया। पहले तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को क्लोज कर लूं। दोनों के बीच अच्छा ही रहा है।
खैर तुम दोनों पर नजर रखो फॉर देयर सेफ्टी। सर हिमाद्री बहुत टची बॉय है, एक बार किसी के टच में आ जाए तो डिटैच नहीं होता। हाँ जी। चॉपस्टिक की ऐसी की तैसी अपना हाथ जगन्नाथ। गॉड बुद्धा के देश के हो एंड सन इज आवर गॉड। सूरज देव हमारे भी भगवान है। जब हमारा भगवान एक है, इबादत एक है, फिर हम दोनों भी एक हैं। करेक्ट। तो फिर इतनी दूरी क्यों? हम वादा करो तुम मुझे मेरे सपनों के देश ले जाओगे।
मैं तुम्हें वादा करता हूँ मारे, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का देश हिंदुस्तान ले चलूंगा, लेकिन उस वक्त तुम मारिकबा नहीं रहोगी। Then what? तब तुम बन जाओगी मिसेस मारिकबा चौधरी। मारिकबा चौधरी, लवली, मैं तुमको प्यार करती हूँ। ए, ये क्या है? सर, मिस्टर सैगल आपके इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सैगल ने कार भेजा, वो कहाँ है? होटल आकाशा का प्रिंस। देव जी, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पीछा करते हुए टोक्यो तक आ पहुंचा, लेकिन इन कमबख्तों ने। मगर तुम यहाँ क्यों आए? अब हम दोनों पकड़ लिए गए। अरे डेंजी को पकड़ कर रखना इतना आसान नहीं है। तुम देखते जाओ सैगल, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भागूंगा। हाँ डेंजी, इतना जोखिम उठाना मुनासिब नाकाम होने पर मौत क्या है? मौत तो हर हालत में होनी है, लेकिन टॉर्चर चैम्बर की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। हिमाद्री, मुझे मिल गया है। क्या मिल गया तुम्हें? कामकाजी के खुफिया अड्डे का पता मिल गया है। हम लोगों को अभी रेड करना चाहिए। हिमाद्री, देर मत करो प्लीज, मेरे फादर को बचा लो प्लीज प्लीज। आई विल मारे, आई विल, कम ऑन। खुफिया अड्डा।
जिसने भी मेरी खुशी छीनी है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालूम था तुम आओगे। हाँ, आवाम की हिफाजत करना इंटरपोल की डर्टी ड्यूटी है। मंतु, इन्हें ले जाओ। हिमाद्री, तुम्हें छोड़कर। बकवास मत करो मंतु। आई से गो। मुझे अब आखिरी बदला लेना है। हिमाद्री।
स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर, स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर, इंटरपोल स्पीकिंग, सेंड मोर फोर्स। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया चौधरी। Gamma Kaji speaking. Keep helicopter ready. Hello, hello, Tokyo Police Headquarters. Headquarters Police, or please send us more force. Dr. Janmin Jai Sen? Failu, khatarnak kamikaze smuggling gang ka leader. डॉक्टर चरणजय सेन, जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। आज पहली बार हार माननी पड़ी। Cigar, please. वादा करो
तुम मुझे मेरे सपनों के देश ले जाओगे? Okay.